अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से सूप की रेसिपी को शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे हॉट एंड सोर सूप, जिसको मैंने बहुत ही यूनिक स्टाइल के साथ और डिफरेंट स्टाइल के साथ जो है वो बनाया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सूप की रेसिपी को बनाना। ये सूप देखने में जितना ही मज़े का है उतना ही पीने में यम्मी और टेस्टी है। इस सूप को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है। बर्तन लेंगे और उसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे चिकन। 1.5 लीटर पानी में इसके अंदर ऐड करूंगी, साथ ही इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब मैं नमक ऐड करूंगी। नमक को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। सबसे पहले हमें यखनी बनानी है। नमक के टेस्ट को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टुकड़ा अदरक का और 3 पीसेस लहसुन के, और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए यखनी बनने के लिए। 20 मिनट्स के बाद यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब स्ट्रेनर की मदद से हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसको हम श्रेड करके साइड पे रख लेंगे और यखनी को हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो चिकन जिसको मैंने श्रेड करके साइड पे रखा था वो यखनी के अंदर ऐड कर देंगे। और कुछ वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं जिसके अंदर शिमला मिर्च है और गाजर है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ ही तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लिए हैं मटर, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। स्पैचुला की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून में इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, धड़ा मिर्च ऐड करूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको मैंने बीटर की मदद से बीट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड करूंगी और इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसको मिक्स नहीं करेंगे। 2 मिनट्स के बाद बीटर की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। समटाइम्स सूप से बिल्कुल स्मेल आ रही होती है, तो अगर आप सूप को इस तरीके से बनाएंगे तो सूप से अंडों की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया है एक पैन और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम गरम करेंगे और मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया था बोनलेस चिकन जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, उसको अब हमने फ्राई करना है। ऑयल सिर्फ 2 टेबलस्पून लेना है। चिकन को फ्राई करके हम निकाल लेंगे और जब चिकन हमारा ब्राउन हो जाएगा इसको हम ठंडा करेंगे और उस चिकन को हम इस सूप के अंदर ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुछ सॉसेज। सिरका मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। सोया सॉस मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून के करीब। साथ ही चिली सॉस मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून के करीब। स्टेप में 1/2 कप पानी लेंगे और उसके अंदर मैं ऐड करूंगी तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी और वो हम सूप के अंदर ऐड कर देंगे। सूप की थिकनेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि अगर आपने सूप फौरन ही सर्व करना है तो आप कॉर्नफ्लोर को ऐड करें, अगर आपने फौरन सूप सर्व नहीं करना तो कॉर्नफ्लोर को आप उस टाइम ऐड करें जिस टाइम आपने सूप को सर्व करना हो। सूप की थिकनेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। परफेक्ट जो सूप है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्यारे से बाउल में डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ेदार सा सूप आपके सामने रेडी है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।